हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं करने वाला इवेंट रिव्यू, और मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं देने वाला कि वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही थी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। तो सबसे पहले चलते हैं बोनस इवेंट में एंड देख लेते हैं कौन सा इवेंट आया। तो डेली टास्क में कुछ खास नहीं है, और चलते हैं पॉपुलर इवेंट में। तो यहाँ पर फेस्टिवल एक्सचेंज में यही विश आप लोग कलेक्ट कर सकते हो, और बाकी सब तो सेम ही दिख रहा है मुझे। काफ़ी दिन से गेम खेला नहीं है एंड काफ़ी सारे अपडेट आए हैं, और अपडेट रिव्यू यार मैंने किया नहीं है तो उसके लिए माफ़ कर देना। एंड इसमें देखते थे भी सेम है। चलते हैं फेस्टिवल इवेंट में गोल्डन एप्पल एक्सचेंज। तो ये कुछ नया देखने को मिला मुझे। एंड यहाँ पर एक न्यू पोकेमॉन जो कि लैप्रस का डुप्लीकेट है आई थिंक, और कुछ नहीं। यहाँ पर चलते हैं बोनस इवेंट में विस्प एक्सचेंज। तो ये भी इवेंट सेम है, हॉट पोकेमॉन एक्सचेंज, पचरीसू, ओशोवोट, कॉटने, जूबैट। हाँ जूबैट। तो ये सब पोकेमॉन्स आप लोग ले सकते हो, बस इससे आपका पावर लेवल इंक्रीज होगा, और कुछ तो होने वाला नहीं है। आप ना ही स्ट्रॉन्ग बनोगे और ना ही कुछ मिलेगा आपको। तो ये है लॉग इन डेज रिवॉर्ड 13 डेज का, तो ये काफ़ी सही है यार। ये तो हर वीक आना चाहिए बट ये लोग देते नहीं हैं। तो यहाँ पर न्यू पोकेमॉन आ चुका है जो कि है क्योरिम। ओके, काफ़ी ज़्यादा महंगा लग रहा है मुझे तो। और भाई ये है काम की चीज़, मिथिकल मेगा स्टोन शार्ट्स। और सेकंड पोकेमॉन है मोर शेडो जेड हेयर। तो यार इस पोकेमॉन का आप लोग सब लोग ले सकते हो, काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है, काफ़ी हेल्प करने वाला है और सभी यूज़ करते हैं यार। इसका कन्वर्जन स्टोन ओके, तो मेरे पास तो है। तो दो पोकेमॉन न्यू आए थे, तो जिन मून शेडो जेड हेयर वाले अगर रिव्यू वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लेना। और जो न्यू पोकेमॉन है उसका यार देख लेते हैं कौन सा था। ये रहा आइस क्योरम, नहीं आइस क्योरम नहीं, क्योरम ओके। तो इसका नॉर्मल पोकेमॉन मतलब इसके स्टेट से एकदम नॉर्मल है, जब आप लोग लोगे तो ऐसे मिलने वाला आपको। तो एच पी आर 110 सही है, पी अटैक कम है बट फिजिकल डिफेंस और स्पेशल डिफेंस काफ़ी अच्छा है, और स्पीड यार ड्रैगन टाइप है तो कमी होगी। तो मैं चलता हूँ एंड इसको देखते हैं। क्योरम सेकंड स्टार, क्योरम आइस ओके, और क्योरम आइस सेकंड। तो इसका शायद ये फाइनल फॉर्म है। तो अब देखते हैं, एच पी 140 अच्छी है एंड पी अटैक 200 अच्छा है यार, पी डिफेंस स्पेशल डिफेंस अच्छा है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ टाइप के, ड्रैगन है नाइस ओके, वीक पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, फाइटिंग रॉक स्टील ड्रैगन फेरी एंड रेसिस्ट करता है ये वाटर ग्रास और इलेक्ट्रिक से। वीक पॉइंट अगर कम होते तो यार काफ़ी अच्छा रहता। एबिलिटी कोल्ड आइस वेन, तो यार एबिलिटी मुझे इसकी इतनी कुछ खास लगी नहीं है। और आइस कोल्ड प्रिज्म 2-3 स्टार इफेक्ट भी होगा शायद, नहीं है, नहीं है, है 2-3 स्टार इफेक्ट है इसके। और मूव्स की बात करूँ तो फ्रॉस्ट स्पेयर, एक्यूरेसी एंड पावर 100 सही है। इसको यूज़ करोगे तो हैवी हेल वेदर चेंज हो जाएगा। एंड कोल्ड ड्रैगन विंग्स, तो ये भी सही है। आई डोंट नो इसको टॉन्ट क्यों दिया है, इसकी स्पीड कम है। और ये रीसेट, तो एच पी जो इसकी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है गेम में। एंड ये क्या है, स्किन भी घटिया भाई इसकी। तो यार देख लेना, अगर आप लोग पास फालतू के विस्प एक्सचेंज वाउचर्स पड़े हैं तो ले लेना, वरना मैं तो इसको यार कंसिडर नहीं करूँगा। अगर मेरे पास होते तो मैं नहीं लेता, बट हाँ मून शैडो का आप जरूर से ले लेना, वो काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है यार। इतने दिनों बाद गेम खेल रहा हूँ तो आप लोग को अपनी टीम और पोकेमॉन्स दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले है ये रेक्वेजा, देख लो आप लोग। एंड ये निहिलेको, इसको तो यार ट्रेन करना काफ़ी दिनों से बंद कर रखा है मैंने, इतना कुछ खास नहीं है। एंड ये फ्लावर शाइमिन, पी डिफेंस 40 की है, सही है यार 14 के। और ये है, ये कौन सा म्यूटू था यार, ओरिजिन म्यूटू जिसकी मैंने बैंड बजा रखी है, आप लोग देख सकते हो, रीसेट कर दिया था मैंने इसको। एंड ये शैडो रिक्रीजा, इसको ट्रेन कर रहा हूँ अभी, तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी है नहीं ये। एंड इसको इवॉल्व करना भी पड़ेगा, तो जब इवॉल्व करूँगा तो वीडियो अपलोड कर दूँगा चैनल पर। और ये टोर्नाडो जिसको मैं यूज़ नहीं करता अभी,
और ये ग्रीन निंजा मेरा फेवरेट पोकेमोन। एंड स्क्विड देख लिया यार, इसकी काफ़ी सही है, मतलब ये मिथिकल पोकेमोन नहीं है बट इसकी स्पीड आप लोग देख सकते हो 12 की प्लस है, तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड इस ये भी अभी इवोल्व नहीं है, जब इवोल्व होगा तो वीडियो अपलोड हो जाएगी, और इवोल्व होने के बाद यार ये काफ़ी अच्छा पोकेमोन बन जाता है। ये है शाइमिन, स्काई फॉर्म शाइमिन, एंड इसकी स्पीड थोड़ी सी कम लग रही मुझे, बट कोई ना यार अभी क्या ही कर सकते हैं। एंड ये हुपा, जिसका स्पेशल डिफेंस तो सही है बट पी डिफेंस बिल्कुल ही बेकार है। एंड ये मून शेडो, तो आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा पोकेमोन है। एंड ये मूव अभी मैंने लिया था इवेंट से, माउंटेन स्काई फूट, स्पेशल डिफेंस तो सही है बट यार अगेन पी डिफेंस बहुत कम है, स्पीड भी ठीक ठाक है। और ये आइस गार्डिवोर, ये फुल्ली इवॉल्व नहीं है अभी, इसको फिर से सेकंड में, इसको आइस डांस गार्डिवोर सेकंड में इवॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप जो इवेंट है वो जल्दी से आ जाए। और लास्ट में विक्टनी, और मैंने फायर प्लेट अभी तक अपग्रेड नहीं किया है तो इसलिए ये थोड़ा सा वीक है, बट यार काम कर जाता है, मतलब अगर सामने पोकेमोन स्टील टाइप का तो इजीली इसको मार देता है। सो ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइज़।